हेलो गाइस, मैं हूं तुषार। आज हम आए हैं पानसरे नर्सरी में। ये नर्सरी महाराष्ट्र के कास्टिंग इस गांव में है। आप पुणे से आते हैं तो 90 किलोमीटर पे ये है और अहमदनगर सिटी से 60 किलोमीटर पे नर्सरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चिंच के बारे में, जिसको टैमरिंड भी कहा जाता है, इमली, इमली भी कहा जाता है, हिंदी में इमली भी कहा जाता है। तो इस बारे में जानकारी लेने के लिए मिलते हैं नर्सरी के ओनर मिस्टर बाला साहेब पानसरे से। हेलो सर, ऐसे नमस्ते। तो शुरू करते हैं सर। ओके, तो अगर हमें चिंच यानी इमली का प्लांटेशन करना है तो इसके लिए बेटर सॉइल और क्लाइमेट कौन सा रहेगा सर? इमली सब ढंग के सॉइल में आता है, लाइट सॉइल में आता है, ब्लैक कॉटन में भी आता है, सब तरीके के सॉइल में आता है। ओके, थैंक यू सर। तो इसमें आपके पास कौन सी वराइटीज में इमली में? हमारे पास 25T263 करके एक वराइटी है जो सबसे अच्छी है। इसके सिवा प्रतिष्ठान है, PKM1 है, ये भी वैरायटीज है। ओके, तो सर इसमें आप सबसे पॉपुलर वैरायटी कौन से रिकमेंड करेंगे? जी, ये जो 25T263 करके वैरायटी ये सबसे अच्छी है। अभी आपको कंपैरिजन बताऊं ये अच्छी मतलब क्या है। तो चिंच में, इमली में सबसे इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर होता है कि उसको जो फ्रूट बेरिंग है वो मतलब अल्टरनेट ईयर होता है, या 2 साल में होता है, 1 साल होता है। तो ये जो कैरेक्टर है, ये आप देसी जो लोकल चिंच देखे तो कई बार 2 साल नहीं होता, 1 ही साल फ्रूटिंग होता है, फिर 2 साल नहीं होगा, 1 साल होगा, तो इसके कारण इनकम नहीं मिलता है। उसके कंपैरिजन में प्रतिष्ठान देखे तो ये अल्टरनेट ईयर बेरिंग का तकलीफ कम है, और इसमें आगे 25T263 देखेंगे तो और अच्छा है। मतलब अल्टरनेट ईयर बेरिंग का नंबर ऑफ बहुत कम है, यूरिया फ्रूटिंग होता है उसको, तो ये सबसे अच्छी कैरेक्टर एक उसमें है 25T263 में। दूसरा कैरेक्टर है उसका जो फ्रूट होता है उसका साइज, ये सबसे अच्छा साइज इसमें होता है 25T263 में। तीसरा उसका जो फ्लश रहता है वो ठीक होता है, जाड़ा होता है, वो बेनिफिट है। उसका जो अंदर का सीड होता है वो भी बड़ा होता है। तो इस सब कारण ये 25T263 अच्छी पॉपुलर वैरायटी बन गई है। ओके सर, या तो अगर हम इमली का प्लांटेशन करते हैं और उसके जो फ्रूट्स रहते हैं वो हमें प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसमें कौन सी प्रोसेसिंग की जा सकती है? अभी इमली में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब पर्टिकुलरली मैं फार्मर भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप एक ही ढंग से सेल करें। आपके पास उस साल, जिस साल आपको हार्वेस्ट करना है उस साल आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपके पास टाइम है तो आप सिर्फ उसको बगीचे से निकलवा के दे तो एक अलग रेट बनता है, या सिंपल ऑप्शन होता है आपके पास कोई टाइम नहीं तो आप सीधा ये मेरा बगीचा है इतने पैसे को लेके जाओ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप पैसा लेंगे, बाकी वो फ्रूट निकाल के ले जाने का सब काम वो व्यापारी करेगा। आपके पास टाइम है तो आप तोड़ेंगे फिर उसको सेल करेंगे। फिर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप सिर्फ छिलका निकालेंगे, अंदर का सीड और सीड के अंदर का जो फ्लश है मतलब फ्रूट सिर्फ छिलका निकाल के दे देंगे, और टाइम है तो आप छिलका सेपरेट करेंगे, अंदर का फ्लश सेपरेट करेंगे, सीड सेपरेट करेंगे तो और अच्छा रेट मिलता है। तो ये अलग अलग तरीके से, और मानो आपको कोई मार्केटिंग करना है तो आप उसका जो ये होता है पल्प बना सकते हैं। उसके सिवा ये जो अपना स्वाद बनते हैं उसके लिए बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है टैमरिंड में, इमली में। ओके सर, तो ये टैमरिंड फ्रूट का जो साइज रहता है वो कितना रहता है सर? हाँ, अभी इसमें कितना रहता है ऐसा बताना मुश्किल है, लेकिन कंपैरिजन देखें तो देसी वैरायटी से अच्छा फ्रूट होता है प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठान से अच्छा होता है 25T263 की वैरायटी में। तो करीबन 9 से 10 इंच तक का इसका जो ये है फ्रूट का साइज वो होता है। ओके सर, अगर हम इसमें प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए आप कौन सा स्पेसिंग रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ, टैमरिंड का जो पेड़ है वो बड़ा बनता है, इसलिए 20x20 से लेके 25x25 तक का प्लांट लगाना हम सजेस्ट करते हैं। ओके, अगर प्लांटेशन, अगर उसका प्लांटेशन करना है तो उसके गड्ढे की साइज कितनी होनी चाहिए सर? गड्ढा 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट का होना चाहिए, जो आप लेने के बाद उसी सॉइल से वापस ना भरे, उसमें दूसरा फ्रेश सॉइल, नीम पाउडर, टोबैको पाउडर ये सब मिक्स करके गड्ढा भरे, बाद में पानी देके नॉर्मल सॉइल का कंडीशन आने के बाद उसमें आप प्लांट लगा दें।
ओके सर, थैंक यू। तो आप नर्सरी में प्लांट सेल करते रहेंगे, तो इसका साइज क्या है आपके पास, कितने साल के साथ प्लांट सेल? टैमरिंड के सेस्ट लो ग्रोइंग प्लांट है, इसलिए आप बहुत छोटा प्लांट लेंगे तो आपको फ्रूट लेने में 6 साल लगते हैं। तो इसमें हमने बाकी ऑप्शन भी अवेलेबल करे, जैसे 2-2.5 साल का प्लांट होता है, 3-4 साल का प्लांट होता है। तो जितना बड़ा प्लांट लेंगे उतना आपको फ्रूट जल्दी मिलेगा। मानो ये 2 साल का प्लांट लिया आपने, 2-3 साल का, तो आगे 2-3 साल में फ्रूट मिलेगा आपको। 3-4 साल का प्लांट लिया तो आपको 1-2 साल में ही आगे फ्रूट मिल जाएगा। तो ऐसे 2-3 ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। ओके सर, अगर प्लांटेशन करना है तो इसके लिए सुटेबल टाइम कौन सा रहेगा? ये जून से लेके जनवरी फरवरी तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो इसका फुल ग्रोन हेड कितना रहता है सर? टैमरिंड में प्रूनिंग का कोई प्रोसीजर नहीं होता है, तो मान के चलो 20-25 फीट तक प्लांट जाता है। ओके, और प्लांटेशन करने के बाद कितने साल बाद फ्रूटिंग चालू होता है? हाँ, अभी ये कौन से साइज का प्लांट आपने लगाया इस पे निर्भर करता है। आपने सबसे बड़ा प्लांट लगाया है तो 2 साल में आ जाएगा, 1 साल में भी उसको थोड़ा बहुत फ्रूटिंग आ जाता है, 2 साल में अच्छा चालू हो जाता है। उससे छोटा लगाएंगे तो 3-4 साल में शुरू हो जाता है, उससे छोटा लगाएंगे तो 5-6 साल में शुरू हो जाता है। ओके सर, और इसमें हाईएस्ट यील्ड कितना रहता है? बेस्ट यील्ड जो है इसका, वो मान के चलो एक प्लांट से 400-500 किलो तक मिल सकता है। ओके ठीक है सर, और हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा रहता है इसमें? हार्वेस्टिंग मतलब किस सीजन में ये मैच्योर होते हैं सबसे ज़्यादा? इसका स्पेसिफिक टाइम है, जैसे जनवरी फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। ओके सर, तो इसका फ्रूट मैच्योरिटी साइंस कैसे आपके रिकमेंड कर सकते हैं? वो पकने के बाद ऊपर का जो छिलका है वो मतलब दबाए तो फूट जाता है, उससे वो मालूम पड़ता है, मतलब जो रेगुलर प्रैक्टिस है उनको आराम से मालूम पड़ता है। ओके सर, तो ये हो गया हार्वेस्टिंग का। अगर इसमें हार्वेस्ट करते हैं और मार्केट में भेजने तक इसकी सेल्फ लाइफ कितनी रहती है सर? ये सालों साल रहता है, मतलब आप जैसे इसका सेपरेट करेंगे, छिलका सेपरेट, फ्लेश सेपरेट और सीड सेपरेट, तो इसको 1 साल भी आप रख सकते हैं। ओके ठीक है सर, इसमें अगर प्लांटेशन करते हैं तो इसमें स्पेशल प्रैक्टिसेस क्या की जा सकती है? इसमें कोई स्पेशल प्रैक्टिस नहीं, आराम से मतलब इजीली आने वाला क्रॉप है, इसमें ना कोई ज़्यादा मेहनत है ना कोई रिस्क है, मतलब इजी ग्रो होने वाला चीज़ है। ओके सर, और अगर हम मेंटेनेंस के लिए या प्लांटेशन के टाइम में फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कौन सा फर्टिलाइजर रिकमेंड करना चाहेंगे? ये इमली में ज़्यादा कोई फर्टिलाइजर का काम नहीं है, आप थोड़ा बहुत एनपीके यूज़ करें, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें तो सफिशिएंट है, स्पेशल कोई हेवी हेवी आपको फर्टिलाइजर यूज करना ऐसा कोई मतलब नहीं। ओके सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अगर आप सेल प्लांट सेल करते हैं तो इसमें कौन सी प्रोपगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं? हम इसमें जो इसको मराठी में बेट कलम बोला जाता है या अप्रोच ग्राफ्ट, ये बनवाते हैं, ये सबसे अच्छा बनता है उसमें। और ये आप आपके खुद के नर्सरी में करते हैं या बाहर से प्लांट्स लाते हैं? जी हाँ जी, जो भी फ्रूट प्लांट्स है उनका सबका हम हमारे मैनेजमेंट के अंडर ही प्रोडक्शन करवाते हैं। okay. क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, यदि कोई हमको गलत चीज दे दे तो फार्मर का भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम वो रिस्क नहीं लेते। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।